अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? आज हम पिछली दास्तान को कंटिन्यू कर रहे हैं सखी सर्वर की। सखी सर्वर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो है, ज़ाती ज़िंदगी और जो घरेलू ज़िंदगी से कैसे निकले, कैसे उनके कज़न्स ने उनके साथ किया और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, खुद उनके साथ क्या हुआ, इसके बाद साथ साथ उन्होंने अपनी रूहानी तरक्की जारी रखी इन सब चीज़ों के साथ साथ, और वो खुदा की उन आजमाइशों से गुज़रते हुए जो है वो वलीउल्लाह तक पहुँचे। आज जो है वो हम आपको उनकी करामात का जिक्र कर रहे हैं आज हम लोग, और करामात जो है बेशुमार है, उस पर एक पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी बना सकते हैं। पहली करामत उनकी जो है वो ये है कि सखी सरवर जो गांव इस वक्त है, जब वो यहाँ रहते थे तो ये गांव नहीं था, एक पहाड़ी सिलसिला है जो कोहे सुलेमानी का है, इसमें उनकी सकूनत अख्तियार की हुई थी। उन्होंने लोगों से और घर वालों से जो थे वो काफ़ी हद तक तंग थे, तो उन्होंने गोशा नशीनी से जो है वो अपनी लाइफ रखी हुई थी और इबादत रियाजत में मशगूल रहते थे। ये जिस जगह पे ठहरे हुए थे, यहाँ पे जो था रूट था काफलों का आने जाने का, जो यहाँ से अरब कंट्रीज़ में जाते थे और वहाँ से जो है मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया तक जो थी रसाई होती थी उनकी। तो हुआ यूँ कि एक काफला जो था वो अरब कंट्रीज़ से इस तरफ आ रहा था, तो उनमें से किसी एक साहब की जो है वो ऊँट की हड्डी टूट गई, ऊँट माजूर हो गया। अब वो उस बंदे का वाहिद सहारा था कि वो अपना सामान आगे बेचने जा रहा था, और वो कैसे उसको जो है वो आगे लेके जाता सामान को, और उसके साथ साथ कैसे मैनेज इन सब चीज़ों को करता। तो वो ढूंढता ढूंढता जो है लोगों से इधर उधर पूछता पूछता जो है वो पहाड़ी सिलसिले में चला गया, और वहाँ पे जो है वो सखी सर्वर पे उसकी नज़र पड़ी। तो उसने कहा, बाबा मेरे साथ ये हो गया है, मेरे ऊँट के साथ। तो उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि बेटा तुम्हें 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, 2 दिन में तुम्हारा ऊँट जो है वो उसकी हड्डी जुड़ जाएगी और तुम आगे सफ़र कर सकोगे। तो उसने अपने काफ़िले वालों को समझाया, उनको समझ में आई बात, तो वो 2 दिन के लिए काफ़िले ने वहीं डेरा डाल लिया। 2 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि ऊँट की जो हड्डी है वो जुड़ चुकी है और ऊँट जो है वो खड़ा होके नॉर्मली जो है वो अपनी घास चर रहा है, तो वो बहुत खुश हुए और वो अपने सफ़र में आगे चल पड़े। होते हुए जाते थे। इसी तरह एक और वाकया कि गांव वालों को बहुत मसला हो रहा था, पानी नहीं था यहाँ, क्योंकि ये खुद तो पहाड़ों में रहते थे, जो मौजूदा इनका मज़ार है इससे कहीं आगे जहाँ इनकी चिल्लागाह थी और एक चश्मा भी था। तो कभी कभी जो थे ये गांव की तरफ आ जाते थे, तो गांव वालों ने इनसे जो है वो मदद मांगी कि बाबा आप तो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो, हमारे यहाँ पानी का मसला है, तो आप कुछ कर सकते हो? तो सखी सरवर ने कहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये कह के वो चले गए और काफ़ी देर हो गई वो नहीं आए। तो लोग जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि बाबा नहीं आए तो हम इनके पीछे चलते हैं। जब वो आधे रास्ते तक पहुँचे तो देखते क्या हैं कि बाबा आगे चलते आ रहे हैं सखी सरवर, और पीछे उनके जो है वो चश्मा बहता आ रहा है। जैसे ही बाबा ने लोगों को देखा, बाबा रुके, चश्मा भी वहीं रुक गया, और आज भी चश्मा वहीं है और गांव वाले वहीं से पानी भर के लाते हैं। ये अल्लाह के नेक लोगों की करामात हैं कि वो इस तरह अपने बंदों को नवाजता है और वो फिर उसी के ख़जानों में से बांटते हैं। इसी के साथ साथ इनकी अगली जो करामत है वो ये है कि ये अक्सर ज़ाहिर पहाड़ों में रहते थे, तो काफ़िले गुज़रते रहते थे। तो इसी तरह एक काफ़िला ईरान से आया और यहाँ बसेरा डाला उन्होंने और अपने सकूनत अख्तियार की, क्योंकि रातों को अक्सर काफ़िले जो है वो ठहर जाते थे। तो वो अपनी डेली रूटीन में अपने लिए जो है वो शक्कर देख रहे थे, तो उनके पास ख़त्म हो गई थी रास्ते में। तो उन्होंने यहाँ बाबा की दिया जलता हुआ देखा, तो यहाँ आ गए
और बाबा से कहा कि हमारी शक्कर ख़त्म हो गई है, अगर आपके पास है तो दे दो। बाबा ने कहा पीछे पहाड़ है, वहाँ से जाके जो है वो तुम शक्कर ले लो। तो वो वापस आए, बोलते हैं बाबा वहाँ तो शक्कर नहीं है। तो बाबा ने कहा हाँ, वहाँ जो भी मिट्टी की डली है, पत्थर है, वो तुम उठा लो और अपने इस्तेमाल में ले आओ, ये मीठी है। वो चुप हो गए और एहतराम में, और वो लेकर आए, उन्होंने जब चाय में डाली तो चाय मीठी। तो ये पूरे काफ़िले में बात फैल गई, तो वो जहाँ जहाँ जाते गए ये बात फैलती गई। तो आज भी वो पहाड़ है, हर दुकान पे तकरीबन आपको मिल जाएगी, और आप उसको हदीयतन पैसे देकर ले सकते हैं, या ख़ुद पहाड़ अगर आपको पता है या किसी से पूछ के आप जाके वहाँ से ला सकते हैं। इस मिट्टी की और भी बहुत सी करामात हैं जो आगे चल के हम आपको मज़ीद बताएंगे। इसी के साथ ही चार यार भी हैं, यानी कि सखी सरवर लगदाता के चार यार। चार यार आपको लाल के भी याद होंगे। चार यार जो है मुल्तान में शम्स तबरेज़ के साथ भी थे, बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी के साथ भी थे, इसी तरह सखी सरवर के साथ भी जो है चार यार जुड़े हुए हैं। ये चार यार इस तरह बने कि सखी सरवर जो है दरवेशी में जो थे, कभी एक जगह भी जाते थे, कभी दूसरी जगह जाते थे, तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे घूमते रहते थे, इबादत रियाजत में मशगूल रहते थे और लोगों के मसाइल भी हल कर रहे होते थे। तो जब ये बरसगीर में जो मौजूदा इंडिया है उस साइट में गए, तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कुछ सैयदों को देखा कि वो मुख्तलिफ चीज़ों में फंसे हुए हैं, या उनको लोगों ने जो है वो अपने घरों से निकाल दिया है, उनके घर वालों ने, या वो मुख्तलिफ बीमारियों में रह के अपने घर वालों से दूर जा चुके हैं। इनमें एक थे जो औलाद से महरूम थे, इस वजह से घर वालों से डिस्टर्ब थे। जो चौथे थे वो दुनियादारी से और घरदारी से बहुत तंग आए हुए थे, क्योंकि उनके माशी हालात बेहतर नहीं थे, तो जिसकी वजह से हर कोई जो है वो ने बहुत जो है जलील करने पे या उनको बेइज्जत करने में लगा रहता था। तो इन्होंने ये मुख्तलिफ जगहों से ये इन लोगों को जमा किया, जिसमें से बिलतरतीब जो पहले हैं वो आपके पास सैयद अहमद हैं, फिर सैयद नूर हैं, फिर मोहम्मद लतीफ़ हैं, और चौथे जो हैं वो मोहम्मद इसहाक हैं। तो सबसे पहले जो है वो सैयद नूर और सैयद अहमद के जो है ये आप कब्रें देख रहे हैं, जो बहुत ऊंची सी हैं, जो देखेंगे आप अभी। और दूसरा जबल यानी कि दूसरे पहाड़ पे बिल्कुल सामने जो है वो मोहम्मद लतीफ़ की और मोहम्मद इसहाक की हैं। तो ये चार यार वो चार यार हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी अपने मोहसिन के खातिर। जब इनके भाई जो कज़न थे, खालाजाद थे, आए बदला लेने, तो ये चार यार सखी सरवर के साथ थे, और सखी सरवर अपने घोड़े पे बैठे और तलवार ली और वो उस तरफ गए। तो ये चार यार ही थे जो सबसे पहले शहीद हुए, अपने मोहसिन से पहले उन्होंने अपनी जानें दी, उसके बाद जो है सखी सरवर आखिर में शहीद हुए। तो ये वो चार यार हैं जिन्होंने वहाँ से अपना देश छोड़कर यहाँ पर आए, सकून अख्तियार की, उनके मसाइल यहाँ हल हुए और फिर वो यहीं रह गए और इनकी खिदमत में सखी सरवर की लगे रहते थे, और सुबह शाम इनकी कोशिश होती थी कोई ना कोई इनके पास रहे, ताकि वो इल्म व मार्फत जो इनके पास थी, जो ऑनलाइन आती थी, वो इनको मिल सके और ये अपनी रूहानी तरक्की आगे बढ़ा सकें और आगे लेके चल सकें। तो चार यार बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ दोस्त हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आप भी किसी की ज़िंदगी में हो के किसी का ख्याल रख सकते हैं। बताया कि सैयद अहमद और सैयद नूर जो है वो बिल्कुल सामने हैं हमारे इस वक्त, बिल्कुल सामने दूसरी चोटी पर, दूसरे जबल पर। यहाँ पर जो है वो मोहम्मद लतीफ़ है और मोहम्मद इसहाक है, चारों सैयद थे, जान देते थे।
सखी सर्वर पर, और इनकी कोशिश होती थी हर वक्त कोई ना कोई सखी सर्वर सरकार के जो है वो हुजरे में रहे, पास रहे, ताकि उनकी हिफाजत भी कर सके और उनसे वो इल्मो मार्फत हिकमत वो सब जान सकें, ताकि अपनी रूहानी तरक्की को आगे बढ़ाएं। पहाड़ की चोटी से आप नीचे देख नज़ारा कर सकते हैं सखी सर्वर का मज़ार, आखिरी आराम का। ये जितनी भी आबादी है अब ये सखी सर्वर गांव से कस्बे में शिफ्ट हो गई है, तब्दील हो गई है। दूर दूर तक आबादी देख सकते हैं, ये कोहे सुलेमान के साथ साथ ये आबादी जा रही है जो डेरा गाजी खान से तकरीबन 60-70 किलोमीटर के फासले पर ये रेंज है। कदीम आबादी है, जैसे हमने बताया कि 14 ज़िलहज 511 में उनकी पैदाइश है सखी सरवर की, और वफात जो है वो 23 रजब 577 है। बहुत कम अरसा जो है उन्होंने इस दुनिया में गुजारा, और इनके आज भी चाहने वाले जो हैं वो दूर दराज से आते हैं। हम खुद कराची से डेरा गाजी खान तक आए सिर्फ इनकी मोहब्बत में, और वो इश्क तलाश करने जो इन बुज़ुर्गों को इनकी ज़िंदगियों से आगे ले जाता है, और ना दौलत, ना रिश्ते, ना दुनियावी चमक दमक, कुछ भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनकी ज़िंदगियों पे असर अंदाज नहीं होते। ये वो सूफ़ी लोग हैं, वो दरवेश हैं, वो कलंदर हैं, वो फ़कीर हैं जिन्होंने कुर्बे अलाही के लिए अपनी ज़िंदगियां सर्फ कर दी कि सिर्फ़ खुदा उनसे राज़ी हो जाए और वो खुदा के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाए। दिन रात खुदादारी में लगे रहना, इंसानियत की खिदमत करना, उनके दुख दर्द में उनके साथ देना जो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, उनका साथ देना जो रिश्ते नहीं निभा पाते ये रिश्ते निभाते हैं, कभी बाप बन के, कभी बेटा बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी भाई बनकर, कभी कुछ। सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह खुदा रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी हो जाए और इनका बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए खुदा इन्हें जो है फिर नवाजता है और इनकी पर्सनैलिटी ऐसे कर देता है कि जहाँ जहाँ कदम रखते जाते हैं ना सिर्फ हरियाली होती है, लोग आबाद होते हैं, बल्कि उनके फैज से, उनकी वो खुशबू से जो खुदा उन्हें नवाजता है उससे वो लोगों को सैराब करना शुरू कर देते हैं, और ना सिर्फ अपनी हयाती में करते रहते हैं बल्कि हयाती के बाद जो दूसरी हयाती है उस हयाती में वो और ज़्यादा लोगों के करीब आ जाते हैं, लोगों के दिलों में बस जाते हैं, और कई सदियों बाद भी चाहे लोग इनके मज़ार पे आके इन्हें पुकारें, चाहे दुनिया में कहीं पर भी इन्हें पुकारें, ये उनकी सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको वो अपनी खासियत, वो चीज़ें अता कर देता है कि जैसे खुदा सुनता है तो ये भी सुनते हैं। ये हैं असल दीन को फॉलो करने वाले, ये लोग हैं जिन्होंने दीन को सही समझा और दीन को लेके चले। इनका एक एक अमल उस दीन से बाहर नहीं है, उस किताब से बाहर नहीं है जिसका नाम कुरान मजीद है। 10 किताब जो हजूर और वो सुन्नतें, वो हदीसें जो हमारे दरमियान छोड़ गए, ये असल हैं फॉलोवर्स। इन 7 साल की रिसर्च में जो चीज़ अभी तक सामने हमारे आ रही है वो यही है कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने वाकई दीन को अमली तौर पर लिया और जैसा हजूर ने डेमोस्ट्रेशन दिया, जैसा लोगों के सामने बयान किया, जैसा करके दिखाया, इन्होंने वैसा ही किया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या आप और मैं क्या ये सब कर रहे हैं? क्या हमें ज़रूरत नहीं है? क्या हम अल्लाह का कुर्ब नहीं चाहते? ये सब वो ऐसे सवाल हैं जो मैं खुद से भी तलाश कर रहा हूँ और
इन सवालों के जवाब अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी कोई देखने वाला कहे कि वो अल्लाह का नेक बंदा जा रहा है। काश ऐसा भी हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी है, आपको मालूमात में आपकी इजाफा किया है, तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और उसी के साथ साथ आगे भी बढ़ाएं। हमारा मकसद कमाना नहीं है, हमारा मकसद इल्म फैलाना है, वो इल्म जो इन हस्तियों के थ्रू आज भी जिंदा और कायम है, वो मैसेज, वो सवाल जो आज हम ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि इश्क वो वाहिद जरिया है या वो शॉर्टकट है जो आपको तमाम मंजिलात जो है वो बहुत जल्दी तय करवा देता है, रूहानियत की हो, दुनियादारी की हो, दीनदारी की हो या रिश्तों की हो। इसी के साथ इजाज़त दें, एक नई काविश के साथ, एक नई कोशिश के साथ जो है मैं हाजिर हूँ।